ना डीएरिन मिल रहा है, डीए मिल रहा है, ना डीएरिन मिल रहा है, ना डीएरिन भी खेल रहे हैं, है ना। बाकी कर्मचारियों को मोहरा बना रहे हैं अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए। बाकी कर्मचारियों को इस तरह से इस्तेमाल करना कई किसी भी तरीके से उनको रोजगार कहाँ से पैदा होगा, नई योजनाओं पर कहाँ से कर्मचारी साथियों के मुद्दों को उठाने के लिए, उनके समाधान के लिए, सरकार तक हमारी बात पहुँचाने के लिए, आम जनता तक हमारी। कर्मचारी नेताओं ने दिया नोटिस का जवाब। फिलहाल सचिवालय कर्मियों का संघर्ष चला, अब प्रिविलेज नोटिस का हो रहा है इंतजार। राज्य सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ ने अपने संघर्ष को फिलहाल टाल दिया है। मंगलवार को सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ का जनरल हाउस नहीं हुआ। वहीं इससे पूर्व सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कर्मचारी नेताओं को जो नोटिस दिए गए थे उनका जवाब उन्होंने प्रशासन को दे दिया है। इसके लिए 15 दिनों का समय दिया गया था, जिससे पहले ही उन्होंने जवाब सौंप दिए हैं। अब इन्हें विधानसभा से आने वाले प्रिविलेज नोटिस का इंतजार है। बताया जा रहा है कि विधानसभा में 6 कर्मचारी नेताओं के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाने का प्रस्ताव दिया गया है, मगर अभी वहां से नोटिस कर्मचारी नेताओं को नहीं मिले हैं। उन नोटिस का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद यहां कर्मचारी संगठन अपनी रणनीति बनाएगा। इनका पहले ये कार्यक्रम था कि इन्हें मंगलवार को सचिवालय में एक बार फिर से जनरल हाउस करना था, मगर विधानसभा की कार्यवाही जारी रही, जिस पर इन्होंने अभी अपना जनरल हाउस टाल दिया है। सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष संजीव शर्मा का कहना है कि मुद्दे वैसे ही खड़े हैं, मगर अभी उन्हें प्रिविलेज नोटिस का इंतजार है। उन्हें ये सूचना है कि 6 कर्मचारी नेताओं के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला लाया जा रहा है, जिसके नोटिस अभी तक उन्हें नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग ने जो नोटिस उन्हें दिया था उसका जवाब उन्होंने प्रशासन को सौंप दिया है। वे अपनी अगली रणनीति आगामी दिनों में तय करेंगे। कर्मचारियों का जनरल हाउस तभी बुलाया जाएगा और उनसे बातचीत की जाएगी। बता दें कि पिछले महीने सचिवालय में जनरल हाउस करके सचिवालय कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ हुंकार भरी थी। प्रदेश भर के कर्मचारियों के लिए डीए व एरियर की मांग उन्होंने उठाई थी, जिसके बाद यहां कर्मचारियों को पहली तारीख को वेतन भी नहीं मिल पाया था। सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और ऐसे में सीएम पहले ही कह चुके हैं कि डीए व एरियर अभी नहीं दिया जा सकता। सचिवालय में हुए गर्मा गर्म माहौल पर यहां राजनीति हावी हो चुकी है और अब मामला विशेषाधिकार हनन कमेटी तक पहुंच गया है, क्योंकि सरकार के एक मंत्री के साथ कर्मचारी नेताओं का उन्माद ज़्यादा बढ़ गया था। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। फिलहाल कर्मचारियों का जनरल हाउस अभी नहीं होगा और काले बिल्ले लगाकर उनका प्रदर्शन जारी रहेगा।